अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्पाइन एकेडमी। आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश लिटरेचर फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशुर। दिस इज आवर पोइट्री कंपार्टमेंट, सिलेक्शंस फ्रॉम इंग्लिश वर्स फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशुर। मैंने जो है इस चैप्टर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट है बुक टेक्स्ट, जिसमें मैं आपको जो लिखा हुआ है पोइट्री में वो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगी, इसकी ट्रांसलेशन बताऊँगी। सेकंड पार्ट है समरी, इसमें मैं आप जो है जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपको बताऊँगी, यानी समराइज करूँगी और समझाऊँगी आपको डिटेल में। क्वेश्चंस एंड आंसर्स में हम सारे सवाल जवाब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर वन, हु रोट द पोएम लूसी ग्रे? द पोएम एंटाइटल्ड लूसी ग्रे वॉज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। He was one of the major prominent and romantic poets of English literature. He was considered the poet of nature because of his great concern with natural beauty. He traveled to different places which were noted for their charming beauty, where he saw different beautiful sceneries which were preserved in his memories, and he presented them in an artificial and unique way and gave a new essence to poetry. He, with a friend named Samuel Taylor Coleridge, initiated the Romantic era with their collaborative creation, lyrical ballads which contained old themes and new subjects. सवाल ये है कि लूसी ग्रे किसने लिखी, कौन से पोएट ने लूसी ग्रे लिखी? आंसर है कि लूसी ग्रे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। अब चूँकि हमसे ये पूछा गया है कि किसने लिखी है, तो हम उनको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करेंगे, उनके बारे में कुछ लिखेंगे। The poem entitled Lucy Gray was composed by William Wordsworth. He was one of the major prominent and romantic poets of English literature. वो जो है बहुत ही फेमस इंग्लिश लिटरेचर के पोएट हैं, प्रोमिनेंट यानी के फेमस जाने माने, और रोमांटिक पोएट हैं खसूसी तौर पे, मतलब कि वो लव मोहब्बत से रिलेटेड पोइट्री लिखते हैं थे। He was considered the poet of nature because of his great concern with natural beauty. अच्छा, तो उन्हें जो है natural beauty के वो बहुत उन्हें शौकीन थे natural beauty के, उन्हें बहुत लगाव था natural beauty से, nature से, तो उन्हें पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। पोएट ऑफ नेचर इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सी नेचर से रिलेटेड पोएट्री भी लिखी, ठीक है, और जो है उन्हें शौक़ भी था नेचर का। ही ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस विच वर नोटेड फॉर देयर चार्मिंग ब्यूटी, वेयर ही सॉ डिफरेंट ब्यूटीफुल सीनरीज विच वर प्रिजर्व इन हिज मेमोरीज एंड ही प्रेजेंटेड देम इन एन आर्टिफिशियल एंड यूनिक वे। अच्छा, तो ये उन्होंने बहुत सारी प्लेसेस जगहों पे उन्होंने सफ़र किया जो कि खूबसूरत उनकी खूबसूरती के लिए जानी गई थी, ऐसी जगहें जो कि बहुत खूबसूरत थीं, वहाँ उन्होंने जो भी सीनरी देखी वो उनके जहन में बैठ गई, वो प्रिजर्व यानी के मतलब कहीं सेफ रहना, तो उनके जहन में वो सारी सीनरीज जो है प्रिजर्व हो गई, उन्होंने अपने जहन में सारी सीनरीज बिठा ली और फिर वही उन्हीं सीनरीज के बारे में उन्होंने पोइट्री में बहुत कुछ लिखा, उन्हें डिस्क्राइब किया एक यूनिक एक अनोखे अंदाज में। और चूँकि उन्होंने ये सारी पोइट्रीज लिखी तो उन्होंने अपनी पोइट्री से एक नई खासियत दी इस पोइट्री राइटिंग को। He with a friend named Samuel Taylor Coleridge initiated the Romantic era. ये बहुत interesting fact है कि उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त के साथ मिलकर, जिनका नाम था Samuel Taylor Coleridge,
उन्होंने उनके साथ मिलके रोमांटिक ईरा इनिशिएट किया। रोमांटिक ईरा क्या, जो मोहब्बत और प्यार पे जो पोइट्री लिखी जाती है उसको इनिशिएट किसने किया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने और सैमुअल टेलर कोलरिज ने मिलकर, यानी कोलैबोरेटिव क्रिएशन, यानी के दोनों ने मिलजुल कर अपनी पोइट्री से ये रोमांटिक ईरा शुरू किया। लिरिकल बैलेड से, अच्छा लिरिकल बैलेड्स यानी बैलेड बेसिकली वो पोइट्री होती है जो कि कोई कहानी बयान कर रही होती है। तो ये जो बैलेड्स उन्होंने लिखी थी वो बेसिकली पुराने थीम्स की थी, लेकिन उनके सब्जेक्ट्स, उनके जो मज़मून होते थे वो जो उनके मौजू होते थे वो नए तर्ज के होते थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज लूसी ग्रे? लूसी ग्रे वाज यंग, इनोसेंट एंड ओबीडियंट चाइल्ड एंड द ओनली ऑफस्प्रिंग ऑफ हर पेरेंट। लूसी ग्रे एक छोटी सी मासूम सी और एक बहुत फर्मा बरदार बच्ची होती है अपने माँ बाप की इकलौती। शी वॉज लिविंग इन द वेस्टर्न कंट्री साइड, दैट्स वाई शी हैड नो नेबर्स एंड फ्रेंड ऑफ हर एज टू प्ले विद हर। वो देहात के एरिया में रहती थी तो उसके ना आसपास ज़्यादा लोग रहते थे, मतलब उसके हमसाए नहीं थे जो उसकी उम्र के होते, हम उम्र दोस्त नहीं थे उसके, इसके कोई भी दोस्त नहीं थे। अकॉर्डिंग टू द पोएट देर आर अ लॉट ऑफ लिविंग थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस, बर्ड्स एंड एनिमल्स, बट शी वाज द मोस्ट मार्वेलस एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग ऑब्सेशन हुज ब्यूटी, इनोसेंस एंड चार्म वर एब्सोल्युटली अनपैरेलल्ड। पोएट ने हमें ये बताया कि लूसी ग्रे जो थी वैसे तो बहुत सारी नेचर में बहुत सारी लिविंग थिंग्स होती हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स और बर्ड्स, लेकिन जो लूसी ग्रे की बात थी वो अलग ही थी। मतलब वो बहुत एक घर में पैदा होने वाली बहुत सबसे प्यारी चीज़ थी उसकी। उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो बहुत ही जो है खूबसूरत थी, उसके अंदर उसके चेहरे पे बहुत मासूमियत थी और अलग ही चार्म था उसका, विच वॉज एब्सोल्युटली अनपैरेलल, यानी कि मतलब उसका कोई वो नहीं था मुकाबला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड लूसीज फादर आस्क हर टू गो टू द टाउन? Lucy's father asked her to go to the town to bring her to bring back her mother because her mother went to the town for some work, and he predicted that the storm would be coming and asked her to take the lantern for light and go to the town instantly so she could come back before the storm. अच्छा क्वेश्चन है कि लूसी के अबू ने उसे टाउन क्यों भेजा? तो इसके जवाब ये है कि लूसी के फादर ने उसे टाउन इसलिए भेजा क्योंकि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि स्टॉर्म आने वाला है किसी भी वक्त। तो उसने लूसी से कहा कि लैंटर्न लेकर, रोशनी लेके अपनी अम्मी को लेकर आ जाओ टाउन से घर वापस, ताकि वो जो है तूफान आने से पहले ही घर सेफली पहुंच जाए। ही डिड सो बिकॉज ही वॉज बिजी इन हिज वर्क एंड वॉज एक्सपेक्टिंग दैट दे कुड कम बैक ईजिली बिफोर द स्टॉर्म वुड कम। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वो खुद मसरूफ़ थे अपने काम में, और वो जो है उस वक्त हुक के ज़रिए उसकी आटे की जो गठरी होती है वो काट रहे होते हैं हुक की मदद से। तो वो बिज़ी होते हैं अपने काम में, तो वो लूसी ग्रे को कहते हैं कि तुम जाके अपनी अम्मी को लेकर आ जाओ ताकि तुम दोनों जो है तूफ़ान से पहले ही घर में सेफली पहुंच जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, डिड लूसीज मदर मैनेज टू रिटर्न होम एंड व्हाट डिड लूसीज पेरेंट्स डू आफ्टरवर्ड्स? हमसे पूछा गया है कि क्या लूसी की अम्मी घर वापस आ गई थी सेफली, और उसके बाद लूसी के वालिदैन ने क्या किया।
Lucy went to bring her mother back from the town, but unfortunately she could not reach there because the storm came on earlier than its time, and Lucy wandered up and down and lost her way, but her mother safely managed to return home. यानी कि वक्त से पहले ही वो तूफ़ान आ गया जो है अनफॉर्चुनेटली, और तूफ़ान आने की वजह से मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसे समझ नहीं आया कहाँ जाए, वो अपना रास्ता भटक गई और बहुत उसने कोशिशें की पहाड़ चढ़ के, बहुत से पहाड़ चढ़े उसने, बहुत से पहाड़ उतरे, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला, वो टाउन नहीं पहुँच पाई। लेकिन उसकी अम्मी जो होती हैं वो, उन्हें मालूम नहीं होता कि लूसी उनको लेने आई गई होगी टाउन। जब वो घर पहुंचती हैं उन्हें मालूम पता चलता है कि लूसी उन्हें टाउन लेने गई थी और अभी तक घर वापस नहीं आई, वो खुद सेफली घर वापस आ चुकी होती हैं। उसके बाद जब ये इंकशाफ होता है तो उसके पेरेंट्स अपनी बेटी को ढूँढने निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, How did Lucy's parents come to know that they have lost their child? हमसे सवाल ये किया गया है कि लूसी के पेरेंट्स को कैसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है। आंसर, लूसीज पुअर पेरेंट्स सर्च देयर चाइल्ड फार एंड वाइड बट दे कुड नॉट गेट एनी साइन ऑफ हर प्रेजेंस, सो दे वर डिसअपॉइंटेड एंड डिप्रेस्ड, बट सडनली हर मदर सॉ हर फुटप्रिंट्स एट द एज ऑफ द हिल व्हिच वाज डाउनवर्ड, सो दे स्टार्टेड टू फॉलो देम एंड व्हिच दैट लेड देम टू अ वुडन ब्रिज। तो जब उसके वालिदैन उसे ढूंढने निकलते हैं, उन्हें उसके छोटे छोटे पैरों के निशान बर्फ़ में नज़र आ रहे होते हैं, तो वो पैरों के निशान फॉलो करते करते उन सारी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे लूसी जा चुकी होती है, यानी वो खुले मैदान में हॉथहॉर्न हेज के थ्रू और बहुत सी ऐसी जगहों से वो गुज़रते हैं। तो फाइनली वो एक स्पॉट पे आ खड़े होते हैं जो कि एक वुडन ब्रिज होता है, सही लकड़ी का एक ब्रिज बना हुआ होता है। वहाँ पे उन्हें नज़र आता है कि ब्रिज टूटा हुआ होता है और बीच में जाके उसके फुटप्रिंट्स फेड हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं उसके फुटप्रिंट्स। तो उन्हें खुद ब खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से वो स्लिप होके, ब्रिज से स्लिप होके लूसी गिर गई होगी और मर गई होगी, तो वो उधर ही ग्रीफ करना शुरू हो जाते हैं, वो उधर से ही मतलब, यानी कि उन्हें वहीं अफसोस होता है, वो रोने लग जाते हैं जब उन्हें इंकशाफ होता है कि उनकी बेटी मर गई। For more details on remaining lectures and chapter end exercises of this book, please send us a WhatsApp message on the number mentioned or email us on alpineacademy@gmail.com. Question number 6, How did Lucy become immortal? हमसे पूछा गया है कि लूसी इमॉर्टल कैसी हुई, इमॉर्टल यानी कि जिसकी जो हमेशा ज़िंदा रहता है। लूसी हैड बिकम इमॉर्टल बिकॉज आफ्टर हर डेथ पीपल बिगैन टू बिलीव दैट शी वाज स्टिल अ लिविंग चाइल्ड हु कुड बी सीन अलोन एट द ब्रेक ऑफ द डे, ओनली दोज हु हैड डीप कंसर्न विद नेचुरल ब्यूटी कुड सी हर। तो इमॉर्टल वो इस तरह हुई कि लोग समझने, ये लेजेंड बन गया था, लोग समझने लग गए थे कि जो है वो अभी भी ज़िंदा है, हालांकि वो मर चुकी होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि शाम के वक्त जब कोई वहाँ पे जाता है तो लूसी को उधर देखता है, उसे खेलते हुए जैसे वो पहले खेला करती थी, तो ये, और उसे गाने गाते हुए देखता है, उसकी आवाज़ भी हवाओं में जो है वो पूरे समा में गूंज रही होती है, उसकी आवाज़ वो गाने गा रही होती है। तो इस तरह से एक लेजेंड बन गया कि वो इमॉर्टल असली में नहीं, लेकिन एक जैसे कि मतलब हाइपोथेटिकली, यानी एक महावरतन कहा जा रहा है कि वो चूँकि लोग उसको समझते हैं अभी भी ज़िंदा है तो इमॉर्टल हो गई है वो। शी वॉज सीन सिंगिंग अ सॉलिटरी सॉन्ग इन द मोर, वॉकिंग थ्रू रफ एंड स्मूथ, नेवर लुक बिहाइंड, वो गाने गाती हुई और जो है खेलती हुई रफ़ और स्मूथ लैंड के ऊपर से, जो है कहीं से लैंड रफ़ होता है कहीं से स्मूथ होता है, तो वो देर से वो ट्रिप होती हुई जो है जारी होती है और कभी पीछे नहीं देखती।
ये एक सेइंग है थॉमस कैंपबेल की जो इस पे बैठती है, टू लिव इन हार्ट्स वी लीव बिहाइंड इज नॉट टू डाई। ये इसलिए है क्योंकि जब कोई मरता है तो कुछ लोगों के जो उनके करीबी लोग होते हैं उनके दिल में वो ज़िंदा ही होते हैं, तो जो लोग उसे देखते हैं वो ये सोच के कि चूँकि वो जानते हैं लूसी की वो कितनी मासूम कितनी प्यारी बच्ची थी, तो वो उसको याद करते हुए उसको देखते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं उधर। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द ट्रैजिक इवेंट दैट हैपेंड विद लूसी ग्रे। हमसे पूछा गया है कि वो जो ट्रैजिक इवेंट हुआ है लूसी ग्रे के साथ उसको डिस्क्राइब करें। ट्रैजिक इवेंट यानी जो सानिया हुआ उसके साथ। लूसी ग्रे वॉज अ चाइल्ड हु लिव्ड अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स ऑन अ वाइड मोर। वन डे हर मदर वेंट टू द टाउन फॉर सम वर्क, बट ऑन दैट डे देयर वॉज अ ग्रेट चांस ऑफ स्टॉर्म, सो हर फादर टोल्ड हर टू गो टू द टाउन टू ब्रिंग हर मदर बैक एंड सजेस्टेड टू टेक अ लैंटर्न विद हर। तो जो है लूसी एक इकलौती बेटी होती है अपने पेरेंट्स की जो एक वाइड मोर पे रहती है, एक वाइड चौड़े से अनकल्टिवेटेड लैंड पे जहाँ घास अनकल्टिवेटेड यानी के जहाँ घास फूस नहीं उगी भी होती। वन डे हर मदर वेंट टू द टाउन फॉर सम वर्क, यानी कि उसकी जो अम्मी होती हैं वो एक दिन टाउन जाती हैं कुछ सामान खरीदने किसी काम की वजह से, और चूँकि उसके अब्बा प्रिडिक्ट करते हैं कि स्टॉर्म आने वाला है तो वो फ़ौरन से अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुम लैंटर्न उठाओ और टाउन जाके अपनी अम्मी को वापस ले आओ ताकि स्टॉर्म आने से पहले ही तुम दोनों घर पे सेफली हो। लेकिन होता ये है अच्छा, तो जो वो अपने अबू की बात मान के लैंटर्न लेके चली जाती है। When she was on the way, unfortunately a storm came before its time and she could not reach the town and lost her way. होता उसके साथ ये है कि जब वो निकलती है लैंटर्न लेके उसे नहीं मालूम होता, लेकिन स्टॉर्म जो होता है वक्त से पहले ही आ जाता है, तूफान वक्त से पहले ही आ जाता है और वह अपना रास्ता भटक के बर्फ़ में मर जाती है, बर्फ़ में गिर के मर जाती है। Her parents desperately searched her whole night, but after some efforts, they found that she was dead. But still, some people believe that Lucy Gray is alive and sometimes is seen to walk alone over the moor. उसके अम्मी अबू परेशान हो जाते हैं जब वो बहुत देर तक घर नहीं पहुंचती, वो बेचैनी में बाहर जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, लेकिन जो है उनका ढूंढना बिल्कुल मतलब फ्रूटलेस होता है, उनको वो नहीं मिलती। लेकिन जो जिस तरह उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि लूसी ग्रे अब नहीं रही, वो उसके फुटप्रिंट से अंदाज़ा होता है, उसके फुटप्रिंट से उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि लूसी ग्रे वुडन ब्रिज के बीच में आके स्लिप होके मर गई। लेकिन आज भी लोग ये कहते हैं कि लूसी ग्रे उसी एरिया में जहाँ पे वो मरी थी नज़र आती है खेलते हुए कूदते हुए गाना गाते हुए, एक लेजेंड बन गया उसका। प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको हमारे नए लेक्चर्स इजीली अवेलेबल हों, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ ईमेल अस एट alpineacademy@gmail.com। थैंक यू।